नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हम आज पॉलिश बनाने जा रहे हैं और करने भी जा रहे हैं। हमारे पास 10 लीटर में एम्पेरियो रीगल अल्ट्रा लग्जरी वुड फिनिश है, जो 10 लीटर का है। इसका MRP 13,180 रुपये है, जो हार्डनर रेगुलोस का। और ये वुड टेच एम्पेरियो स्लो ड्राइंग थिनर प्यू में है। इसका भी प्राइस, ये 20 लीटर का, इसका प्राइस 7,850 रुपये है। अब हम देखिए, हम ग्लोसी ले लेते हैं। ये ग्लोसी है, इसको हमने डिब्बे में 200 ग्राम ले लिया है। 200 ग्राम ग्लोसी ले ली है। अब ये हार्डनर है, हार्डनर को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लेंगे 100 ग्राम, ये आधा पड़ता है। अगर 200 ग्राम में ये 100 ग्लोसी लेंगे तो इसमें हार्डनर हमें 100 ग्राम डालना होता है। और ये थिनर रहा, इसको हम लेंगे 100 या 150 ग्राम ले लेते हैं इसको हम, या फिर आप जैसा भी चलाओ 100 या 150 लीटर इतना पड़ेगा इसमें ग्राम। अब देखिए, हमने इसको आपस में मिक्स कर लिया है। ग्लोसी, हार्डनर, थिनर को हमने आपस में मिक्स कर लिया है। अब हम धोती ले लेते हैं, जो गन के ऊपर हमें लगानी होती है, जिससे हम माल को छान सकें और इसके अंदर किटाई ना जाए ना, नहीं तो गन के अंदर फंस जाती है किटाई, और उस पर जो फुहारा जहाँ से निकलता है फुहारा, वो रूंध जाता है, फिर उससे बूंदें नीचे गिरती हैं, तो वो आपको काम नहीं करना है। छान लेना है माल को अच्छी तरीके से। देखिए, इस धोती से ये हमारे, आप जो देख रहे हैं ग्लास में, ये स्टेनर है, स्टेनर ब्राउन काले रंग में। तो हमें इस पे अलमारी पे मारना है एक कोट इसका, ताकि जो इसका कलर है वो मैच हो जाए थोड़ा सा। इसको हमने पतला कर लिया बिल्कुल, और एक कोट हम मारते हैं इस अलमारी पे इस तरीके से। गद्दी से जो कपड़ा होता है धोती, उस कपड़े से हम गद्दी बनाकर अलमारी पे देखिए मारते हैं इस तरीके से। सीधे हाथ आपको चलाना है, बिल्कुल भी इधर उधर या बीच में नहीं रोकना है, सीधे हाथ चलाइए आप। दोस्तों, जो सीलर, वो ग्लोसी होता है, ग्लोसी थिनर और हार्डनर। ग्लोसी जो होता है, ग्लोसी हमें अगर हम बनाना चाहें तो उसमें 1 लीटर ग्लोसी ले लेंगे और उसमें हार्डनर 0.5 लीटर पालेंगे, और थिनर पाएंगे 400 या 500 ग्राम तक। हार्डनर जो होता है आधा डलता है, 1 लीटर में आधा डालेंगे हम हार्डनर, यानी 1 लीटर का आधा हो गया 500 ग्राम, तो हम आधा कर डालते हैं हार्डनर और आधा ही डालते हैं थिनर। और इसमें एनसी थिनर नहीं चलता है, इसमें प्यू थिनर ही चलता है पॉलिश में। इस तरीके से देखिए, अब ये कंप्रेसर है जो हम बिजली से चलाते हैं, इससे क्या होता है, इसी से सारा जो है पॉलिश वगैरह करते हैं हम। इसके जो नीचे टंकी है वो धूम पानी वो बनाती है हवा, और ये जो पाइप है इसके, इससे हवा बनती है जाती है हमारे इस गन मशीन में। ये गन मशीन है जिससे हम प्रेशर करेंगे, इसको स्प्रे भी बोलते हैं। और ये इसका ट्रिगर है नीचे मेरी उंगलियों के साथ में, जो दबाते हैं हम। और वो आप जो देख रहे हो, इसका जो फुहारा होता है वो बड़ा और छोटा हो सकता है, बड़ा और छोटा हो जाता है, ये देखिए। तो अभी हम आपको करके दिखाएंगे, जो ऊपर आप देख रहे हो टंकी सी, ये एक ये होती है, इसमें हम माल डालते हैं छानते ऊपर से। ये ढक्कन है, इसको निकाल के हम इसमें माल डाल देते हैं, जो भी हमने बनाया था मटेरियल। हम देखिए, इस पर एक कोड मारते हैं अभी ग्लोस का, बिल्कुल सीधा हाथ चलाना है इसमें, इधर उधर हाथ नहीं करना, या ना हाथ बीच में रोकना, और थोड़ा हिसाब से मारना होता है इसमें, ताकि बूंदे ना बने इसमें और माल जो ग्लोस है वो लटके ना। हार्डनर हम इसलिए डालते हैं इसमें, ताकि हार्डनर
सुखा देता है जल्दी पॉलिश को या ग्लोव्स वगैरह को, हार्डनर सुखा देता है, इसीलिए हम हार्डनर थोड़ा कम डालते हैं इस तरीके से। हमने एक कोट देखी है, एक कोट करेंगे उसके बाद दूसरा भी कोट करेंगे। इसमें हमने सारी सीलर से भराई पहले कर रखी है और रिपेयर वगैरह कटाई भी कर रखी है। इसकी रिपेयर कटाई सीलर से सारा चार कोट इसकी भराई की थी हमने अलमारी की, और फिर इसमें रिपेयर वगैरह करके अब हम इसमें ग्लॉसी करके दिखा रहे हैं आपको। एक कोट हमने लगा दिया था, अब हम ये दूसरा कोट लगा रहे हैं। सूखने के बाद में आप लगा सकते हो या थोड़ी देर बाद भी लगा सकते हो आप। एक कोट हमने फाइनल कर दिया है, ये दूसरा कोट है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना।